नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोग को LWR यानी लॉन्ग वेल्डेड रेल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप इस चैनल पे अभी नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, बड़ी लाइन में लंबी वेल्डेड रेल की कम से कम लंबाई हो सकती है, तो ये 200 मीटर होती है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर दो पे, छोटी लाइन में लंबी वेल्डेड रेल की कम से कम लंबाई हो सकती है, ये 500 मीटर होती है, यानी ए आंसर सही है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर तीन पे, लंबी वेल्डेड रेल में टी मैक्स व टी मिन को तापमान के औसत को कहते हैं, तो इसको TM बोलते हैं। इसका आंसर जो है TM यानी सह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार पे, ब्रिथ इन लेंथ को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, तो इसको AEXTYR यानी इसका आंसर B नंबर होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच पे, TD तापमान पर 52 kg रेल खंड SEJ का मानक गैप होता है, यानी स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, तो इसका जो 40 mm होता है यानी ए नंबर आंसर सही है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर छः, डबल लाइन खंड पर SEJ की टंग रेल का मुंह रखा जाता है, ये ट्रैफिक की फेसिंग डायरेक्शन में रखा जाता है, यानी इसका आंसर बे नंबर है। उसके बाद चलिए सात नंबर क्वेश्चन, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है, तो ये TD माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर शुरू की जाती है, यानी कि इसका आंसर है स। उसके बाद चलिए आठ नंबर क्वेश्चन पे, हॉट वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है जब तापमान से डैश अधिक हो जाती है, तो इसका आंसर जो है इस चारों में नहीं है, ये साइड में लिखे हैं, TD प्लस 25 डिग्री सी से अधिक होने पे, ये देखिए ऊपर लिख दिए हैं, हॉट वेदर पेट्रोलिंग चालू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आइए, मैनुअल ब्लास्ट कंपेक्शन में BG में कंसोलिडेशन पूरा माना जाता है, जबकि ट्रैक पर से डैश लोड पास हो जाता है, ये 300,000 ग्रॉस टन पास होने पे ये बे नंबर इसका आंसर होगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, मैकेनाइज्ड ब्लास्ट कंपेक्शन में मीटर गेज में कंसोलिडेशन पूरा माना जाता है, तो ये 20,000 ग्रॉस टन को माना जाता है, यानी बे नंबर आंसर सही है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रेल तापमान रिकॉर्ड करने के लिए सामान्यतः थर्मामीटर काम में लिया जाता है, तो ये एम्बेडेड टाइप थर्मामीटर जो है काम में लिया जाता है, यानी 100 नंबर आंसर है। उसके बाद चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, LWR CWR छोटी लाइन में गर्डर ब्रिज पर निम्न स्पान तक डाला जा सकता है, ये 20 मीटर जो है स्पान तक डाला जाता है, यानी कि इसका आंसर 100 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न के अप्रोच पर 50 मीटर लंबाई में ब्लास्ट का ढेर लगाया जाता है, तो इसका आंसर जो है ये रेल फुट तक लगाया जाता है, ए नंबर होगा। इसके बाद चलिए, PSC पॉइंट एंड क्रॉसिंग को LWR या CWR से आइसोलेट करने के लिए
डैश रेल लेंथ का पैनल डालते हैं, ये तीन रेल का पैनल डालते हैं, यानी बी नंबर आंसर सही है। उसके बाद चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे। 1500 मीटर से शार्पर रेडियस के रिवर्स कर्व पर कॉमन टेंजेंट पॉइंट से दोनों ओर कम से कम शोल्डर ब्लास्ट रखी जाती है, तो ये 600 mm रखा जाता है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, LWR या CWR का अनुरक्षण कार्य तापमान डैश डिग्री सी तक किया जाना चाहिए। तो ये अनुरक्षण कार्य जो होता है TD प्लस 10 डिग्री सी तक, यानी कि हम ट्रैक पर जो काम करते हैं वो डिस्टेंसिंग टेम्परेचर से 10 डिग्री अधिक तक जो है काम कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, LWR या CWR में TM का अर्थ होता है औसत रेल तापमान होता है इसका, यानी कि ए नंबर आंसर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, LWR या CWR में TD का अर्थ है स्ट्रेस फ्री तापमान, यानी ए नंबर आंसर सही है। इसके बाद चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे, LWR या CWR में TO का अर्थ है रेल टेंसर से डिस्टेंसिंग करने का तापमान, यानी इसका आंसर ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए, LWR या CWR में TP होता है रेल टेंसर से डिस्टेंसिंग करते समय विद्यमान तापमान, इसको हम TP बोलते हैं, यानी कि 6 नंबर आंसर सही है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बड़ी लाइन में एंकर लंबाई LA मीटर होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2.5 इंटू TO माइनस TP, यानी ए नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 चलिए, छोटी लाइन में एंकर लंबाई मीटर होती है, तो छोटी लाइन का जो होता है ये 4.5 इंटू TO माइनस TP इसका आंसर होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेल फ्रैक्चर के बाद पहली गाड़ी गुजारी जाती है, तो ये स्टॉप डेड एंड 10 km/h की गति प्रतिबंध से गुजारी जाती है, और दूसरी गाड़ी जो गुजारी जाती है वो 20 km/h से गुजारी जाती है, उसके बाद टेम्पररी रिपेयरिंग करने के बाद 30 km/h के उस पर गति की जाती है, और वेल्डिंग करने के बाद उसको नॉर्मल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, रेल फ्रैक्चर पर इमरजेंसी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी, ये चाबी वाला, पेट्रोलमैन, गैंगमैन होते हैं, यानी ए नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिए, रेल फ्रैक्चर पर टेम्पोररी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी, ये रेल पथ सुपरवाइजर होता है, यानी जिसको हम लोग JE बोलते हैं। रेल फ्रैक्चर पर स्थायी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी रेल पथ निरीक्षक होता है या जूनियर इंजीनियर होता है। ये रेल पथ सुपरवाइजर पहले हुआ करता था, जिसको हम लोग PWS बोलते थे, परमानेंट वे सुपरवाइजर। अब उस पोस्ट को सरेंडर कर दिया गया और मिनिमम पोस्ट जो है JE रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 है, रेल फ्रैक्चर पर डिस्टेंसिंग करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, ये कनिष्क अभियंता होता है, इसको भी हम लोग JE बोलते हैं। बकलिंग के केस में गाड़ी पास करने वाला सबसे छोटा अधिकारी, ये कनिष्क अभियंता होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 है, बकलिंग में टेम्पररी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी, ये भी कनिष्क अभियंता होता है, यानी 6 नंबर आंसर सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बकलिंग में रेल कटिंग का कार्य किया जाएगा, ये गैस कटर से किया जाएगा। अनुरक्षण के बाद कंसोलिडेशन होने के दौरान रेल पूरा ना होने पर तापमान TD प्लस 20 डिग्री सी से बाहर जाने पर क्या होगा, गति प्रतिबंध व मोबाइल वॉचमैन रखेंगे, यानी इसका आंसर 6 नंबर होगा।
गर्मी के गश्त के दौरान पेट्रोल मैन के पास लाल झंडी होती है, तो ये आप लोग जानते होंगे, गर्मी में लाल झंडी होती है, हरी झंडी नहीं रखा जाता है। गर्मी के पेट्रोलिंग में जब रेल बकलिंग हो जाएगा तो पेट्रोल मैन केवल गाड़ी को रोक सकता है, चला नहीं सकता है, तो इसलिए उसको हरी झंडी नहीं दिया जाता है कि गलती से वो कहीं चला ना दे। जब वो रोक देगा तो वह गाड़ी को चलाने वाला कम से कम ऑथराइज अधिकारी जे ही होगा। और सर्दी के पेट्रोलिंग में जो है फ्रैक्चर होती है, उसको रिपेयरिंग करने के बाद पेट्रोल मैन गाड़ी को चला सकता है, इसलिए उसको हरी झंडी और लाल झंडी दोनों दिया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, गर्मी के गश्त के दौरान पेट्रोल मैन के पास हरी झंडी होती है, तो अब ये देखे हैं नहीं होती है, बाय नंबर आंसर है सही। 34 नंबर क्वेश्चन है, हरी की सर्दी की गश्त में पेट्रोल मैन के पास तीन रंगों वाली हाथ बत्ती होती है, तो अभी आपको बताए थे बिल्कुल होती है, तब तो वो गाड़ी को पास करेगा। सिंगल लाइन में गर्मी की गश्त में पेट्रोल मैन की बीट 2 किलोमीटर का होता है, सर्दी की गश्त में पेट्रोल मैन की बीट होती है, ये पहले 2 किलोमीटर होती थी, लेकिन ये नया मैनुअल जून 2020 का जो है उसमें करप्शन किया गया है, और सिंगल लाइन में सर्दी की गश्त का जो बीट दिया है वो 4 किलोमीटर का दिया है, ये देखिए मैं लिख दिया हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन है, बकलिंग के कारण LWR या CWR में फोर्स पैदा होता है, यानी लॉन्ग वेल्डेड रेल और कंटिन्यूस वेल्डेड रेल, तो इसमें कौन सा बल पैदा होता है, तो ये दाब बल पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए, रेल फ्रैक्चर के समय LWR या CWR में फोर्स का प्रकार होता है, ये टेंसाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, चलिए, कंपिटेंसी प्रमाण पत्र की LWR या CWR पर कार्य करने के लिए वैधता सीमा, ये 3 साल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, चलिए, बड़ी लाइन में बफर रेल की लंबाई होती है, तो बड़ी लाइन में जो बफर रेल होता है वो 6.5 मीटर का होता है। यानी बफर रेल कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे SEJ काम नहीं करती है, यानी SEJ हटाया जाता है टेम्प्रोरी रूप से कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे बफर रेल लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए, छोटी लाइन में बफर रेल की लंबाई होती है, तो छोटी लाइन में जो बफर रेल की लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42, चलिए, जोन फर्स्ट व जोन सेकेंड में बफर रेल का सेट होता है, तो ये 3 रेल का सेट होता है। ये 3 रेल का सेट इसलिए होता है, एक रेल का तो SEJ हो गया और आगे पीछे एक एक क्लोजर और बदला जाता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, जोन थर्ड व जोन फोर में वफर रेल का सेट होता है, ये 4 रेल का होता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, एक स्थान पर रेल तापमान नक्शे में 75 × cost के अंदर 35 लिखा है, तो ब्रैकेट्स के अंदर की संख्या बताती है रेल का औसत तापमान। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए, एक स्थान पर रेल तापमान नक्शे में 75 × 35 लिखा है, तो ब्रैकेट के बाहर की संख्या बताती है, ये तापमान जोन बताती है। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए, डिस्ट्रेसिंग करते समय रोलर्स लगाने की अधिकतम दूरी, ये प्रत्येक 15 स्लीपर के नीचे, रेल के नीचे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए, LWR या CWR में स्लोइंग के दौरान बारी का ऊर्ध्वाधर से कौन इससे अधिक नहीं होगी, तो ये 30 डिग्री होता है। यानी जब हम रेल को हटाते हैं या हम पैकिंग करते हैं, तब हमारे बारी का जो एंगल होनी चाहिए वो 30 डिग्री होनी चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, LWR या CWR में PRC स्लीपर पर एक बार में अधिकतम लिफ्टिंग की जा सकती है। तो ये अधिकतम लिफ्टिंग जो है 50 mm किया जाता है, और ये भी PRC स्लीपर में अगर वुडन स्लीपर है, ST स्लीपर है, CST9 स्लीपर है, तो एक बार में 25 mm ही लिफ्टिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, LWR या CWR में अन्य स्लीपर PRC के अलावा पर एक बार में अधिकतम लिफ्टिंग की जा सकती है। ये देखिए यहाँ आ ही गया जो हम आगे बताए थे, 25 mm होती है। SEJ का तेल ग्रीस गैंग द्वारा प्रत्येक 3 में किया जाता है, तो ये प्रत्येक 15 दिन में किया जाता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, SEJ का निरीक्षण चाबी वाले द्वारा किया जाता है, ये प्रत्येक दिन किया जाता है, जब भी जाएगा तो आते समय और जाते समय, और विशेषकर ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में इसकी गैप का निरीक्षण करेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, रबर पेड बदलने के लिए दोनों तरफ कम से कम डैश स्लीपर की फिटिंग इंटैक्ट होनी चाहिए, इंटैक्ट यानी कि 30 स्लीपर जो है इंटैक्ट होनी चाहिए, यानी कि हम जिस एक स्लीपर की रबर पेड बदल रहे हैं उस स्लीपर से दोनों साइड 30-30 स्लीपर जो है रेल बिल्कुल बंधी हुई होनी चाहिए। तो आज इस चैप्टर में इतना ही है, इससे अधिक जानने के लिए आप दूसरे चैप्टर देखें, और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।